नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबर शुरुआत करते हैं आज की हमारी सुर्खियों से। अवैध कोयला माफियाओं पर फिर गिरी गाज, पचम्बा पुलिस ने दो धंधेबाजों को दबोचा, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इधर मुफस्सिल पुलिस ने भदुआ पहाड़ी समेत अन्य इलाकों में मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ जब्त। प्रशिक्षु आईपीएस नाथू सिंह मीना कर रहे थे नेतृत्व। व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, प्रधान जिला जज समेत न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। 35 अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। इधर मासिक लोक अदालत भी कराया गया संपन्न। बेगाबाद थाना में आयोजित हुआ विदाई समारोह, पूर्व थाना प्रभारी को दी गई विदाई, नए थानेदार का किया गया स्वागत। इधर बाल विकास कार्यालय में भी विदाई समारोह आयोजित कर स्थानांतरित हुए लोगों को दी गई भावभीनी विदाई। और स्कॉलर बीएड कॉलेज में लगाई गई हस्तकला प्रदर्शनी, बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं का किया खुलकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। अवैध कोयला कारोबारियों की इन दिनों गिरिडीह में शामत आई हुई है। लगातार पुलिस अभियान चलाकर कोयला कारोबार पर ग्रहण लगा रही है। इस बार भी भारी मात्रा में अवैध कोयला पुलिस ने जब्त किया है, वहीं 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध पर नियंत्रण को लेकर मुफस्सिल और पचम्बा थाना की पुलिस ने जोरदार अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में अवैध कोयला के कारोबार के खिलाफ भी अभियान चलाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि शुक्रवार की रात पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर कोयला का उत्खनन करने वाले 2 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत डीएसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि कोयला के इस अवैध कारोबार में भाजपा नेता व जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान का भी संरक्षण प्राप्त था। उन्हें भी इस मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि लगातार अवैध कोयले के जो कारोबार है, व्यापार जो चला रहा है, उस पर लगातार दबिश पुलिस की मामलों के माध्यम से लगातार इस संबंध में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है पता चल ही रहा है। एक बड़ी कार्रवाई के रूप में जो पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के से प्राप्त सूचना पर जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई उस पर एक कार्रवाई की गई है कल रात 10 बजे के आसपास में, जिसमें अवैध खनता जो जिसमें कोयले की अवैध उगाही, उसका व्यापार और उसको अन्यत्र जगहों पर भेजे जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर लगाम लगाने हेतु अवैध खनता के जो मालिक के रूप में, साझेदार के रूप में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अजीम है, उसको पकड़ा गया है। उसके साथ और भी लोगों का नाम इस पूरे मामले में आया है। आगे की कार्रवाई पुलिस इस संबंध में कर रही है। किन लोगों का नाम आया है, कैसे लोग? कुछ तो जो नाम लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कुछ नाम अजीम मियाँ से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम में रामचंद्र मंडल साझेदार के रूप में, जो सारे अलग अलग जो दिखाई पड़ते हैं अवैध खनता दिखाई पड़ रहा है, जिस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, खनता से उगाही का काम करता था और अपने इस उगाही का एक बड़ा हिस्सा नाम जैसा नाम उसने लिया है अजीम के, वो नेताजी श्री कामेश्वर पासवान जी का नाम, तो उस पर ये कार्रवाई उसको भी तस्दीक कर रही है पुलिस, उस पर भी कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। इधर मुफस्सिल थाना पुलिस ने शनिवार को छापा मारकर लगभग 30 टन कोयला जब्त किया है। प्रशिक्षु आईपीएस नाथू सिंह मीना ने अहले सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदुआ पहाड़ी समेत अन्य कई इलाकों में दबिश देकर कोयला लदे मिनी ट्रक, 1 दर्जन बाइक आदि को जब्त किया है।
की गई है सर अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ? अवैध कोयला के खिलाफ यहाँ पर भूतनाथ बदवा पहाड़ी और सती जो सती घाटा यहाँ पर कार्रवाई की गई है और एक 407 गाड़ी, 6 मोटरसाइकिल, 4-5 स्कूटर और लगभग 25-30 टन कोयला जब्त किया गया है और जो कोयला खत्म संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोयला कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस के सख्त कदम से एक बार फिर अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। हालांकि बड़े मगरमच्छ अब भी बचते फिर रहे हैं। टीकोडी व आसपास के क्षेत्रों में अब भी बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का खेल चल रहा है। देखना होगा उन पर कार्रवाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। इधर कोयला चोरों को संरक्षण देने के आरोप से घिरे जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि उन्हें किसी के तहत फंसाया जा रहा है, वे इस मामले में हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सरासर गलत है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे जिले में अनुसूचित जातियों को गोलबंद करके भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम किया हूं और जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते कई सरकारी कार्य के संपादन करता हूं। मेरे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति आते हैं, हमारा काम है पैरवी करना, सही या गलत प्रशासन उसको देखती है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उसका सही तरीके से जाँच करेगी और कहीं से किसी भी प्रकार के धंधे में मेरा कोई संलिप्तता नहीं है और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहता हूं। मेरा काम पैरवी करना है, मैं पैरवी करता हूं। लोग हमारे पास आते हैं, थाना में जाके पैरवी करता हूं, अस्पताल में जाके पैरवी करता हूं, जहां आवश्यकता जनता का पड़ता है लोग जरूरत समझ के मेरे पास आते हैं। पैरवी करना मेरा अधिकार है, मैं पैरवी करता हूं। जहां तक जोड़ा जा रहा है कि कोयले से संबंधित, तो इसकी दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं है। मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही, मेरे राजनीतिक बढ़ते कदम को देखते हुए कुछ लोगों को नहीं पच रहा है जिसका यह लिए यह आरोप लगा रहा है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 35 अधिवक्ताओं को विभिन्न विषयों पर जानकारियां दी गई। इधर कोर्ट परिसर में ही लोक अदालत भी सम्पन्न कराया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कुमार के नेतृत्व में शनिवार को 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मॉड्यूल पार्ट 3 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के सुरेश चंद्र जायसवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडे, न्यायाधीश प्रभारी रंजन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि यह नालसा के आदेशानुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल पार्ट 3 का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया गया है। इसके लिए 35 अधिवक्ताओं का एक समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संसाधन सेवी द्वारा संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दी जाएगी। सुना, ये जो लोक अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश तत्कालीन चीफ जस्टिस सीपीएन भगवती जी के विशेष क्रिया स्वरूप स्टेप लेने के उपरांत चल, कहते हैं कि वो अपने चेंबर में बैठ करके वर्ष 1984 की बात है, चेंबर में बैठे हुए थे, बिहार के किसी जिले से एक पोस्ट कार्ड आता है। उस पोस्ट कार्ड में ये लिखा रहता है कि मैं पिछले 27 साल से जेल में हूँ। अब उसको ये नहीं पता किस अपराध के लिए मुझे जेल में रखा गया है और अभी कितना दिन रहूँगा ये भी पता नहीं। उस पोस्ट कार्ड को पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि इस एक्यूज को पता ही नहीं वो 27 साल से जेल में है, किस अपराध की सजा भुगत रहा है। तुरंत चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी बिहार और स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत से, सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्फत से नोटिस जारी। तुरंत रिपोर्ट मांगने के बाद में जो रिपोर्ट पहुंची तो चौंकाने वाले तथ्य ये थे कि वो जेल में बंद जिसमें था वहाँ रिकॉर्ड उसका गया।
रिकॉर्ड था ही नहीं, वो जेल में चला। ऐसी स्थिति में तुरंत आदेश हुआ कि तुरंत इसको रिहा किया जाए। रिहा करने के बाद में एक इंक्वायरी सेटअप की गई। इंक्वायरी सेटअप करने के बाद में एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ये प्रस्तुत किया गया कि एक ऐसा प्रावधान हो जो ऐसे मामलों को निष्पादित करने के लिए, गरीबों तक न्याय पहुंचाने के लिए सुलभ। इसी के उपरांत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जन्म। सन 87 के बाद से 94 तक ये पंगु ही रहा, इसका कोई दूसरा इसका नहीं हुआ। सन 94 के बाद से इसमें स्टेप लेना चालू हुआ, होते होते आज हमारे सामने है। अब इस न्याय के रूप में इसका प्रभाव इतना हो गया है कि बिना इसके न्याय की संभावना की परिकल्पना की ही नहीं। आज देखिए हमारे गिरिडीह जिला के प्रत्येक ब्लॉक में 54 लीगल एड्स क्लिनिक काम कर रहा है। पैरा लीगल वॉलेंटियर्स और आपके लीगल एक्सपर्ट, जिसमें कि हमारे एडवोकेट्स महोदय भी उसमें कार्यरत है, जेल में लीगल एड्स क्लिनिक कार्यरत है, वो क्या क्या काम डेली कर रहे हैं। डेली हमारे पास नेट के थ्रू हम लोगों के पास आता रहता है। तो आप गिरिडीह जिला में क्या काम हो रहा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या क्या काम कर रही है, यदि जानना चाहते हैं तो नेट में DLSA गिरिडीह कमांड दीजिए और उसको क्लिक करिए। आपको सारी उसके बारे में क्या क्या रूपरेखा, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या काम डे टू डे क्या क्या कर रहे हैं, किस लीगल एड में क्या क्या हुआ, किसको कितना कोर्ट फीस दिया गया, किसको कितना लीगल एड के तहत में लीगल लायर्स पैनल लायर्स की सुविधा दी गई। बेंगाबाद थाना से स्थानांतरित हुए SI फैज रब्बानी को शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी गई। इधर बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में भी विदाई समारोह आयोजित कर बाल विकास विभाग से स्थानांतरित हुए लोगों को शानदार विदाई दी गई। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को थाना और बाल विकास कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित कर स्थानांतरित हुए लोगों को भावभीनी विदाई दी गई। थाना में थाना प्रभारी फैज रब्बानी के स्थानांतरण के बाद उन्हें विभाग की ओर से शानदार विदाई दी गई। साथ ही नए थाना प्रभारी प्रशांत कुमार का स्वागत सहकर्मियों ने खूब गर्मजोशी से किया। बेंगाबाद थाना के स्वागत कक्ष में विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुखिया शमीम विकास यादव, जयशंकर कुमार, शब अहमद, सुधीर द्विवेदी, अजय द्विवेदी, रवि राजा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। पत्रकार बंधु पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं थाना को। मैं थाना जब ज्वाइन किया उस समय से ही अच्छे कार्य करने के बारे में सोच रहा था, मैत्रीपूर्ण कार्य करने के बारे में सोच रहा था, अपराध नियंत्रण के बारे में सोच रहा था, जिसमें यहाँ की जनता मेरे मित्र का विदाई समारोह में शामिल होने के लिए आयोजन करने के लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया सभी को। और जो भी आप जैसे कि पत्रकार बंधु है, चाहे जो भी बुद्धिजीवी है, हम ये चाहेंगे कोई भी समस्या हो डायरेक्टली हमसे बात करें, जो भी सूचना हमको डायरेक्ट दें। और चूंकि हम कभी कभी होता है कि दिमाग ऐसा नहीं होता है, कुछ गलत हो रहा हो तो बताइए कि सर यहाँ गलत हो रहा है, ऐसी होनी चाहिए। हम उनसे आशा करते हैं कि वे निर्देश अति करेंगे, हमको दिशा देंगे कि हाँ ऐसे किया जाए, और उनसे सहयोग की हम आशा करते हैं। और एक बार अपने प्रिय मित्र हैं रवानी भाई को तहे दिल से विदाई समारोह के लिए शुक्रिया करते हैं, और चाहते हैं कि जहाँ भी जाएं और ये अपने प्रगति बने हैं और हम लोगों को याद रखें, क्योंकि याद तो ऐसे भी हम लोग को रखते हैं, लेकिन अभी वैसा नहीं बोल सकते हैं रवानी भाई के, क्योंकि दिल से हम लोग बहुत हीरो। इधर प्रखंड कार्यालय स्थित CDPO ऑफिस में भी विदाई समारोह आयोजित कर CDPO विमला देवी, BPO सुचिता सोरेन, रेणु कुमारी, सुषमा कुमारी को भावभीनी विदाई दी गई। बताया गया कि सभी के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह आयोजित की गई है और साथ काम करने वाले लोगों ने सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर BDO कुमार अभिषेक सिंह, मनोज कुमार, कंचन माला, किरण कुमारी, निरूपा सिंह, केशव कुमार समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी करते ही है, और उसके साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी आदमी कैसा होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एक सफल जीवन जीने के लिए। खुद भी अपने जीवन हम लोग बहुत से छोटे से कमरे में बैठे थे, लेकिन अब हम यहाँ तक आए, और मेरा वक्त हमेशा आप सभी के सहयोग से ही, प्यार से ही आगे रहा, हमेशा आगे रहा। हर काम को हमने चैलेंज के रूप में लिया,
शुरुआत किया, फोन पे भी इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने बहुत हमें कॉपरेट किया जो हमारे सुपरवाइजर हैं। और उनके जाने के बाद कुछ दिन हम लोग बहुत डगमग स्थिति में भी रह गए थे, फिर तो इन्होंने आकर के संभाला है। सही सबने कहा कि मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन रविवार को भाजपा जिला कमेटी की ओर से बर्नवाल धर्मशाला में किया जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को विधायक आवास में एक प्रेस वार्ता की गई। भाजपा की ओर से पूरे देश भर में इन दिनों में भी चौकीदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रविवार को गिरिडीह में भी बर्नवाल धर्मशाला में जिला कमेटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर शनिवार को सदर विधायक के आवास में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में विधायक निर्भय शाहवारी, जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, मेयर सुनील पासवान, उप मेयर प्रकाश सेठ, सुनीत सिंह, संजित सिंह पप्पू, सदानंद वर्मा, हब्लू गुप्ता आदि उपस्थित थे। बताया गया कि एनडीए की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, यानी देश भर में खूब पारदर्शी ढंग से सरकार चलाई गई है। इसी को लेकर चौकीदार कहने में लोग फख्र महसूस कर रहे हैं। यहां नेताओं ने कहा कि इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट गठबंधन के तहत आजसू के खाते में चली गई है। ऐसे में भाजपा और आजसू दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़कर इस सीट पर कब्जा करेंगे। कार्यक्रम का नाम दिया गया है मैं भी चौकीदार हूं। आपने देखा होगा कि वर्ष 2014 के पहले और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अगर छोड़ दें, उसके बाद सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 14 के बाद भ्रष्टाचार में लगाम लगा है और पूरी मुस्तैदी से हम कह सकते हैं कि लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल रहा है, चाहे वो पेंशन का मामला हो या आवास निर्माण का मामला हो। लोगों की सुविधा जो सरकार को देती है उस सुविधा में कोई बिचौलियावाद नहीं हो, कोई सेंगमानी नहीं करे, इसके ऊपर में लगाम लगाया गया है माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा चौकीदार, इतना मुस्तैद, संवेदनशील और हर वक्त जागरूक रहने वाला, हर मुद्दे पे ऐसा चौकीदार अगर माननीय प्रधानमंत्री हैं तो उनके अधीन काम करने वाले जितने भी हम कार्यकर्ता हैं सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में चौकीदारी करने का काम करें। इस निमित्त कल एक माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होने जा रहा है। विपक्ष की बात मैं नहीं कहता, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी हमारे जनता के बीच भी, खासकर के कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी उत्साह है। बनियाडी में खुलने वाली शराब की दुकान का स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया है। शनिवार को उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक की मांग की गई। बनियाडी के अगदोनी खुर्द पंचायत में शराब की दुकान खोलने की खबर से स्थानीय महिलाएं काफी परेशान हैं। बताया गया कि पंचायत के मिडिल स्कूल के पीछे शराब की दुकान जल्द खुलने वाली है, जिसका वे पुरजोर विरोध कर रही है। उनका मानना है कि स्कूल के करीब शराब की दुकान खुलने से बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व में भी यहां एक शराब की दुकान खोली गई थी, जिससे बच्चे काफी बिगड़ गए थे और कई बार शराब के नशे में लोग यहाँ मारपीट, काली गलौज करते हुए भी देखे गए। क्योंकि पास में ही दुर्गा मंडप भी है तो पूजा अर्चना में भी बाधा पहुँचती रहती है। इसी संदर्भ में पंचायत की महिलाएं शनिवार को उपायुक्त गिरिडीह कार्यालय पहुंची और एक ज्ञापन सौंप कर शराब की दुकान को नहीं खोले जाने की मांग की है। वहीं मौके पर आरती देवी, नीलम देवी, ममता देवी, आशा देवी आदि मौजूद थी। हमारी बनेड़ी मध्य विद्यालय स्कूल के पास शराब की दुकान खोला जा रहा है। हम उपयुक्त महोदय से ये निवेदन करते हैं कि वहाँ बच्चा लोग क्या शिक्षा देगा, क्या लेगा, और शराब दुकान खुलेगा तो सभी का हस्बैंड पी के मारपीट करते रहता, अनेक किस्म का लड़ाई झगड़ा, समाज क्या सुधरेगा। इस सिलसिले में हम उपयुक्त महोदय से मिलने आए हैं, वहाँ शराब दुकान नहीं खोल के दूसरी जगह कहीं भी खुलवाए, हमको उससे कोई लेकिन रोक लगाया जाए। कर्मित विद्यालय के पीछे वो क्या शिक्षा लेगा बच्चा, पढ़ाई होगा, वहाँ दुर्गा मंडप है, साल में हम लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ अड्डा रहेगा शराब का, तो हम लोग किस तरह महिला लोग निकलेंगे, बच्चा लोग का भविष्य जो है जो खराब हो जाएगा। कुछ दिन पहले खुला था शराब का दुकान,
वहाँ पर बच्चा लोग बहुत बर्बाद हो गया, दारू पीकर इधर उधर गिरता था, गाड़ी गल्लम करता था, इसलिए कि वहाँ पर ना खुले। क्या नाम है आपका? फूल है और दुर्गा मंडप है, उसके पीछे में जो दारू दुकान खुलने वाला है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे दारू दुकान ना खुले, क्योंकि बच्चा का भविष्य खराब होने वाला हो जाएगा। और दूसरी की में ये है कि जेंट्स लोग पी के हल्ला गुल्ला गाड़ी गलम करते हैं, हम लोग महिला आते जाते हैं, मंडप है तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हम डीसी के पास यही मांग करने के लिए आए हैं कि वहाँ पे दुकान ना खुले। स्कॉलर पीएच कॉलेज में आयोजित हस्तशिल्प कला में शनिवार को प्रशिक्षुओं ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने इसकी खूब सराहना की। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में शनिवार को हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कॉलेज के सचिव जोरावर सिंह सलूजा शामिल हुए। वहीं मौके पर संतोष कुमार चौधरी, सदानंद देव, रवि शहदेव, राजेंद्र प्रसाद, सुधांशु शेखर, प्रदीप सिन्हा आदि मौजूद थे। बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य प्रसंग अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तु निर्माण करना है, जिसके लिए बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ली और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शित एक से बढ़कर एक आकर्षक एवं उपयोगी वस्तु को देख सभी हैरान रह गए। साथ ही बताया कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में छुपी कला बाहर आती है और उनकी रचनात्मक एवं आंतरिक क्षमता का विकास होता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान डीएलएड कॉलेज इंचार्ज हरदीप कौर द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया गया। अंततः धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की गई। क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल के से वो बनाना था, कुछ भी बनाना था, तो हमने वो पेपर तो पढ़ने के बाद वेस्ट ही हो जाता है, तो पेपर का हमने साइकिल का पेन स्टेन बनाया और उससे ये पेपर का बना हुआ मटेरियल है। ये मटेरियल अगर टूट फूट भी जाए तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ये पेपर का है, इसको अगर फेंकना भी चाहें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो मार्केट से जो पेन स्टेन लाते हैं वो प्लास्टिक का कुछ चीज़ का बना हुआ रहता है ना, तो उससे वेस्ट होता है, तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ये जो पेपर का है इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अंतर्गत बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं से कई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया, तरह तरह के बैग एंड बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जो देखने में बहुत ही सुंदर बने। इससे उनकी क्रिएटिविटी में बढ़ावा मिलता है और वो कुछ करने को प्रेरित होते हैं, और ये उनके करिकुलम का भी पार्ट है, इसलिए उनसे ये आज क्राफ्ट और आर्ट में ये कॉम्पिटिशन करवाया गया और अकॉर्डिंगली उनको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज अभी दिया जाएगा। अंत में नजर डालते हैं आज के हमारी सुर्खियों पर। अवैध कोयला माफियाओं पर फिर गिरी गाज, पचम्बा पुलिस ने दो धंधेबाजों को दबोचा, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इधर मुफस्सिल पुलिस ने भदुआ पहाड़ी समेत अन्य इलाकों में मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ जब्त। प्रशिक्षु आईपीएस नाथू सिंह मीना कर रहे थे नेतृत्व। व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, प्रधान जिला जज समेत न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन, 35 अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। इधर मासिक लोक अदालत भी कराया गया संपन्न। बेगाबाद थाना में आयोजित हुआ विदाई समारोह, पूर्व थाना प्रभारी को दी गई विदाई, नए थानेदार का किया गया स्वागत। इधर बाल विकास कार्यालय में भी विदाई समारोह आयोजित कर स्थानांतरित हुए लोगों को दी गई भावभीनी विदाई। और स्कॉलर बीएड कॉलेज में लगाई गई हस्तकला प्रदर्शनी, बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं का किया खुलकर प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।